फूड एडल्ट्रेशन यानी खाद्य मिलावट एक बृहद समस्या है जो शहरों में आमतौर पर भारी मात्रा में देखने को मिलता है, चाहे वो फूड कलरिंग हो या इंजेक्टेड वेजिटेबल हो। शहरों में बिना मिलावट के खाना मिलना काफी मुश्किल टास्क है। फूड एडल्ट्रेशन की वजह से न जाने कितने लोग हर साल बीमार पड़ते हैं और कई तो कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी के शिकार भी होते हैं। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने इसी परेशानी का हल निकाला है। मिच कपिल मंडावे वाला द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एडिबल रूट्स। द विजन दैट वी कैरी नाउ एज एडिबल रूट्स इज के हम अपना खाने से कैसे जुड़ें। जुड़ना मतलब कनेक्ट होना मतलब ये है कि हम अपने खाने के बारे में तीन अहम सवाल हैं जिनके आंसर्स को जानें। हमारा खाना कौन उगा रहा है, कहाँ उगा रहा है और कैसे उगा रहा है। कैसे यानी कि उसमें केमिकल्स डल रहे हैं नहीं डल रहे हैं, नेचुरल प्रोसेसेस से हैं, हम पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, मिट्टी को नुकसान कर रहे हैं, कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, वो हेल्दी है हमारे लिए या नहीं है। तो ये जब हम ये तीन सवाल के जवाब जानते हैं अपने खाने के बारे में तो उस खाने से हम जुड़ते हैं। और जुड़ने से ये होता है कि जो भी हमारे फूड सिस्टम की आज प्रॉब्लम्स हैं, केमिकल्स की, पेस्टिसाइड्स की, एडल्टरेशन की, कार्बन फुटप्रिंट की, क्योंकि खाना बहुत ट्रैवल करता है, ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। एडिबल रूट्स एक संस्था है जो दिल्ली से शुरू होकर आज पूरे इंडिया के कोने कोने तक पहुँच गया है। ये संस्था लोगों को अपना खाना खुद से उगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, चाहे वो रूफटॉप हो या बैल्कनीज हो या फिर बैकयार्ड। इनके मदद से आप कहीं भी सब्जियां उगा सकते हैं और अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप इनसे फार्मलेट यानी प्लॉट लीज पर ले सकते हैं और सब्जियां उगा सकते हैं। तो पहला कदम हो गया कि आप हमारी वर्कशॉप्स में आए या कहीं भी ऑनलाइन जाके वीडियोस के थ्रू कहीं जाके सीखें और खुद से उगाना सीखें अपने घर के आंगन में, बालकनी में, छत में। अगर वहाँ पर आपको तकलीफ आती है, कुछ हेल्प चाहिए, देन यू कैन टेक आवर सर्विसेज वेयर वी कम एंड हेल्प यू सेट इट अप और आपका हैंड होल्ड करेंगे जब तक आप खुद अपने आप निर्भर नहीं जाते अपना गार्डन संभालने के लिए। फिर उससे तो आपने अपने घर की कुछ सब्जियाँ उगा ली, थोड़ी बहुत उगा ली, बट देन यू वॉन्ट टू टेक द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड द वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट यू आर ईटिंग वेर यू नो दिस आंसर्स। तो आपने फार्मलेट ले लिया 1200 स्क्वायर फीट का अपने आसपास से, जहाँ पर आप लगभग 50-80% अपनी जो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर पाएंगे। और जो लास्ट स्टेप है हमारा, जिसको हम हमारी शॉप कहते हैं, जिसमें हम हमारे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं पूरे इंडिया में जो हम फार्म संभालते हैं उसके माध्यम से हम काफ़ी किसानों से भी जुड़ते हैं। तो इन किसानों को ये जो हमारा क्लाइंट बेस है इनसे जोड़ें, ताकि 80% तो हो गया, उसको 100% कैसे ले जाएं। तो जो हमारा अनाज है, दाल है, फल है, तेल है, ये भी ऐसी जगह से, ऐसे किसानों से आता रहे जो एक जो केमिकल फ्री तो हुई, लेकिन आप फिर भी बियॉन्ड केमिकल फ्री, बियॉन्ड ऑर्गेनिक आप जाने कि भाई ये गेहूं आया है तो ये इस खेत से आया है, इस किसान ने उगाया था और ऐसे उगाया था। आपके जो फार्म है यहाँ पे आप इरिगेशन कैसे करते हैं, पानी आप कहाँ से मतलब आते हैं आपके यहाँ पे फार्म में? यमुना के पानी यूज़ करते हैं या फिर नहीं? यमुना का पानी तो यूज़ नहीं करते अभी। तो जनरली हमारे फार्म्स पे, हमारे खुद के फार्म्स पे तो है ही, जो हम क्लाइंट्स के फार्म्स मैनेज करते हैं उन पर भी हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाते हैं ताकि पानी की बचत हो। नॉर्मल जो फ्लड इरिगेशन होता है, जो खुला पानी देते हैं, उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 1/4 पानी की रिक्वायरमेंट हो जाती है अगर आप ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं। तो एक तो ये हम जहाँ हो सके मैक्सिमम ये यूज़ करते हैं ताकि पानी की बचत रहे। जो पानी का सोर्स होता है जनरली बोरवेल होता है, और या फिर हम ऐसी फार्मिंग करते हैं जिसको पानी की ज़रूरत ही ना हो, जैसे फ्रूट ट्रीज़ लगाते हैं। जो हमारा उड़ीसा में एक फार्म है करीब 100 एकड़ का, तो उसमें नॉन इरिगेटेड फार्म है, ना उसमें हम जुताई करते हैं, ना उसमें हम पानी देते हैं, सिंचाई नहीं करते हैं पानी की, जो बारिश का पानी गिरता है उसी से होता है वो। तो इस तरह से भी होता है, लेकिन जनरली जहाँ पे सब्जियाँ उगाते हैं वो सब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंडर होता है, जिससे पानी की बचत हो। और सोर्स ऑफ वाटर जनरली या तो बोरवेल होता है, और अगर किचन गार्डन्स हैं तो वो तो जो नॉर्मल सिटी में जो पानी की सप्लाई आती है उसके थ्रू होता है। जो पहली चीज़ हम करते हैं
पेस्ट से पौधों को बचाने के लिए वो है कि हर एरिया में जहाँ हम काम करते हैं उसका सीज़न समझें। अगर आप सीज़न के मुताबिक चीज़ों को लगाते हो तो पहले ही कीड़े बहुत कम आते हैं। हमको आजकल 12 महीने हर सब्ज़ी खाने की आदत हो गई है, जो फिर किसान उगाने की ट्राई करते हैं आउट ऑफ सीज़न, इसके कारण पेस्ट का इश्यूज़ बढ़ जाता है। कभी कभी मौसम बदलता है या सीज़न चेंज हो रहा होता है, उस समय कुछ कीड़े आते हैं, तो हम जनरली कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि नीम की खली यूज़ करना, नीम का तेल यूज़ करना, फिर कुछ कंपोशन हम खुद बनाते हैं जिसको जैसे ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, उसमें कई कड़वे पत्ते जो होते हैं उनका एसेंस निकाल के, रस निकाल के उनको डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं, बटर मिल्क यूज़ करना, चिली गार्लिक स्प्रे बनाना, इस तरह के काफ़ी सारे जो नेचुरल ट्रेडिशनल पेस्ट रिपेलेंट्स हैं, जो हमारे इंडिया में एक साइंस भी था जिसको वृक्ष आयुर्वेद बोलते हैं। तो ये वृक्ष आयुर्वेद इसी के बारे में था कि आप नेचुरली कैसे पौधों को बचा सकें, ये हमारा एंशिएंट नॉलेज है सारा, तो उसको फॉलो करते हैं। और उसके अलावा कभी कभी अगर बहुत मान लो प्रॉब्लम है उसके बावजूद भी, जो कि बहुत कम होता है, तो आजकल ऑर्गेनिक बायो पेस्ट कंट्रोल्स आते हैं जो कि नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया और फंगल स्ट्रेन हैं, जो हमको नुकसान नहीं करती हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन वो जो कीड़े जो लगते हैं पौधों को, उनको वो बीमार कर देती हैं या उनको मार देती हैं या उनको बढ़ने नहीं देती हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिक, जिनको बायो पेस्टिसाइड्स कहते हैं, ये बायो, जैसे हमारे बटर मिल्क है, वो भी एक नेचुरल बायो पेस्टिसाइड है। उसमें बटर मिल्क में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जिससे हमारे पौधों में बीमारी, फंगल बीमारी नहीं आती है। तो इस तरह से नेचुरली अकरिंग फंगल एंड बैक्टीरियल स्ट्रेन होते हैं जो बाकी दूसरे जो नुकसानदायक कीड़े या बीमारी हैं उनको कंट्रोल करते हैं, तो उनको भी यूज़ करते हैं। जब ये लोग शुरू करते हैं तो अपना खाना तो सुधारते ही हैं, अपने खाने से तो जुड़ते ही हैं, लेकिन साथ साथ वो अपने पर्यावरण से भी जुड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो अपने वेस्ट के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है भाई मेरा गार्डन है तो उसमें मुझे खाद देना है, मेरे किचन का वेस्ट है जो मैं कूड़े में डाल रहा हूँ तो उसको मैं कंपोस्ट कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे वो जो उन्होंने एक जर्नी शुरुआत की थी एक सेल्फ इंटरेस्ट से कि भाई मुझे अपना खाना हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस रखना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो धीरे धीरे एक सर्कल एक्सपैंड होके पूरे अपने सोसाइटी को, कम्युनिटी को, शहर को और पूरे प्लानट को इम्पैक्ट करने लगता है। क्योंकि हम हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ना शुरू हो जाते हैं कि भाई वो पौधा कहता है आपको, अरे आज गर्मी बहुत हो रही है, आज मुझे धुंध बहुत लग रही है, बिकॉज द प्लांट टेल्स यू कि भाई आज मुझे ये तकलीफ हो रही है, एंड थ्रू दैट यू बिकम सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट, एंड थ्रू दैट पीपल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग अपनी लाइफ में, वो हेल्दियर ऑप्शंस चूज़ करते हैं, शायद गाड़ी की जगह किसी दिन मेट्रो ले लेंगे, कहीं पैदल चल के चले जाएंगे, साइकिलिंग करते हैं। यहीं पे हमारे एक क्लाइंट हैं, वो शी इज़ वेरी वेरी वेल्दी, बट व्हेनेवर शी कम्स टू द फार्म शी कम्स इन अ साइकिल। तो इस तरह से लोगों में चेंजेस आने लग जाते। दिस एक्ट ऑफ ग्रोइंग एंड कनेक्टिंग विद आवर फूड, हमारे खाने से जुड़ना एक वेरी सेंट्रल एक्टिविटी है, जिसके माध्यम से जो हमारी पर्सनल जो फूड के इश्यूज हैं वो तो सॉल्व हो ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे सोसाइटी के, शहर के, प्लैनेट के इश्यूज हैं वो भी सॉल्व, वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे।